हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अगर आपका एक ड्रीम है कि आप बेल जैसी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां पर जाकर आप अपना कैरियर बनाएं, तो बिल्कुल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेल में आए हुए वैकेंसी के बारे में कि आखिर उसमें क्या वैकेंसी है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या वो पोस्ट है और साथ ही साथ किस तरीके से आप वहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं बेल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बेल का मतलब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वैकेंसी आया हुआ है। और अगर हम पोस्ट देखें तो यहाँ पर इंजीनियर्स के पोस्ट हैं और ये इंजीनियर के पोस्ट जो है दो लेवल पर आए हुए हैं। पहला है ट्रेनी इंजीनियर और दूसरा आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का यहाँ पर पोस्ट है। और अगर आप ब्रांच देखेंगे तो यहीं पर ये मेंशन कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और सिविल, इसके ट्रेनी इंजीनियर के भी पोस्ट है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट इंजीनियर के भी पोस्ट है। इसके साथ साथ इसमें अगर आप एज लिमिट देखेंगे तो ट्रेनी इंजीनियर का 28 ईयर्स है और प्रोजेक्ट इंजीनियर का 32 इयर्स मैक्सिमम। इसके साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है उन्हें यह प्रोवाइड होगा। अब बात करते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस रखा गया है या नहीं। तो हाँ, ट्रेनी इंजीनियर के लिए यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए इसी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना, सेम रिलेवेंट फील्ड। और साथ ही साथ इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है बी और बीटेक इन रिलेटेड ब्रांच और आपका जो परसेंटेज है मिनिमम 60% होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन मोड है जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे यहां से आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहला स्टेप इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर इसमें इंटरव्यू राउंड होगा और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर किया जाएगा वैसे ही जो आपको चीजें प्रोवाइड होगी, इसका मतलब जो आपका सैलरी होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि एज अ ट्रेनी इंजीनियर आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ और सेकेंड ईयर से 35,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा और थर्ड ईयर में आपको 40,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे होता है तो आपको जो है फर्स्ट ईयर 40,000, सेकेंड ईयर 45,000 और थर्ड ईयर 50,000 एंड लास्ट फोर्थ ईयर में आपको 55,000 रुपीज पर मंथ एज अ सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बेल अपने जो एम्प्लॉयज को देता है, वो सारी सुविधाएं भी आपको साथ ही साथ मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।